गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू एवरी वन इन टूडेज क्लासेस। दिस साइड योर साइंस सर, योर एम के सर गोइंग टू स्टार्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम में, कॉलेज में भी आपको ये मिलेगा इफ यू आर स्टडी बायोलॉजी। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर क्लासेस। ब्लैकबोर्ड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, दैट शो थ्री स्टेजेस लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फर्स्ट वन इज एग्स, बी इज अर्ली टेडपोल एंड सी इज लेट टेडपोल एंड डी इज एडल्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, देन वी डिवाइड इनटू थ्री स्टेजेस। फर्स्ट वन इज एग, सेकेंड वन इज लार्वा और टेडपोल एंड थर्ड वन इज एडल्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरी स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, देन वी स्टार्ट अवर फर्स्ट लाइन दैट life cycle of frog divided into three stage. First one is egg, second one is larva or tadpole, and third one is adult. Now, when the female frog releases thousands of eggs into the water, because the fertilization takes place into the water. तो female frog है वो release करती है thousand of eggs. Okay, that is eggs. Okay, and the male gamete of frog fuse to form fertilization. फर्टिलाइजेशन होता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा और टैडपोल, है ना। होता है क्या कि फीमेल फ्रॉग जो रिलीज करते हैं थाउजेंड ऑफ एग्स, तो उस समय क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल का एग मिलके फ्यूजन होता है और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है लार्वा का। ओके, तो जब लार्वा का फॉर्मेशन होता है तो जो स्टेजेस होते हैं कितना होता है, थ्री टू फोर वीक्स में जो फॉर्मेशन है एग से लार्वा का हो जाता है, ठीक है। ये आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना। व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा और ए टैडपोल, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गिल्स, बिकॉज ड्यू टू द लार्वा और टैडपोल देयर इज अ एब्सेंस ऑफ गिल्स एंड स्किन, देयर इज अ नो फंक्शन ऑफ गिल्स एंड स्किन इन द लार्वा। ओके, बिकॉज जो फ्रॉग होता है, जो लार्वा होता है, काफ़ी छोटा होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके गिल्स ओनली, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो लार्वा का हम ऐसा एक फिगर बनाएंगे, ओके, जहाँ पे क्या है, छोटे छोटे गिल्स प्रेजेंट है। इट इज़ लाइक अ फिश, आप बोल सकते हो कि फिश की तरह होता है, क्योंकि फिश में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है। ये जो आपका गिल्स है, ये किसमें मदद करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स CO2 प्लस O2 के एक्सचेंज में गिल्स मदद करेगा, जो लार्वा के स्टेज में इसमें प्रेजेंट है। 3 to 4 वीक्स में ये लार्वा बन गया। नाउ लार्वा से अब उसको क्या जाना है, एडल्ट में बनना है। हर कोई बड़ा होगा तो लार्वा से जैसे वो एडल्ट स्टेज में जाएगा तो उसको लगेंगे टोटल 9 वीक्स। ओके, 9 वीक्स में लार्वा किस में बन जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो लार्वा का फॉर्मेशन जो था वो खत्म हो गया, अब वो बन गया एडल्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस का डिफिनेशन हम समझेंगे, है ना। होता है क्या, सडन चेंजेस जो होता है लार्वा टेडपोल से सीधा एडल्ट में फॉर्मेशन हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो ये था थ्री स्टेजेस ऑफ फ्रॉग्स। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, एग रिलीज हुआ फीमेल का, उसके बाद मेल गैमेट फ्यूज होके क्या हुआ, फ्यूजन होने के बाद फॉर्मेशन हुआ किसका, लार्वा और टैडपोल का। ओके, दैट इज द सेकेंड स्टेज। लार्वा और टैडपोल के फॉर्मेशन होने में समय लगा 3 to 4 वीक्स का। उसके बाद जब लार्वा और टैडपोल से कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में, तो कितने टाइम लगेंगे, 9 वीक्स के समय लगेंगे और ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो एडल्ट में जैसे जाएगा तो गिल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गिल्स कन्वर्ट हो जाएगा लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और एडल्ट स्टेजेस में इसके पास हो जाएंगे लंग्स एंड
स्किन बोथ, ओके। तो स्किन का भी यूज़ करता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मेढक, और लंग्स का भी यूज़ करता है मेढक, ओके। नाउ वी स्टडी द वेरियस पॉइंट रिगार्डिंग द फ्रॉग्स, स्टडी द वेरियस पॉइंट्स रिगार्डिंग द फ्रॉग विच आर वेरी कॉमन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्रॉग, विस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, किस टाइप का फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, बट फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फ्रॉग। नाउ द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द फ्रॉग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ, द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रिना। दैट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग जो आपको कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मिल सकता है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। राना तो किसी का नाम का टाइटल भी होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ एम्फीबियंस, इट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एम्फीबियंस का मीनिंग होता है वैसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो आपको पता है फ्रॉग, स्नेक्स, ये सब क्या एम्फीबियंस में आते हैं। जो स्नेक्स जो है वो पानी में भी रहता है और फ्रॉग भी रहता है, तो ये सब आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड आपको जरूर मिलेंगे साइंस में, खास करके बायोलॉजी में, ओके। तो एम्फीबियंस ब्रैकेट में लिख लेंगे इसका डिफिनेशन, दोज एनिमल्स स्टे इन वाटर प्लस लैंड, ओके। शॉर्ट में इसको बस ऐसा ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट फ्रॉग यूज देयर स्किन एंड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग द frog, okay. That is the fourth basic point, that is external fertilization, means fertilization which takes place outside the body. आपने देखा कि frog में जो fertilization होता है वो कहाँ होता है, पानी में होता है, ठीक है। और एक और बात, larva और tadpole को grow होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, iodine की, okay. Iodine is necessary for the growing period, during the growing period. Iodine is necessary during the growing period, or we can say that iodine is necessary in the water. Water में iodine का मात्रा होना ज़रूरी है, तभी जाके क्या होगा, frog बड़ा होगा, okay. Now it is external fertilization, scientific name is Rana Tignina, it is amphibians, frog use their skin and lungs for exchange of gases, or गिल्स का मैंने बताया था, जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो गिल्स होता है। अगर आपसे कोई पार्टिकुलर पूछे कि गिल्स उसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तब आप बोलोगे गिल्स प्रेजेंट होता है बट लार्वा स्टेज में होता है, ठीक है। लेकिन जब वो एडल्ट में चला जाता है तो उसका जो गिल्स होता है वो लंग्स में चेंज हो जाता है, ओके। फ्रॉग आयोडीन इज नेसेसरी ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट, दैट इज सिक्स पॉइंट, ओके। सिक्स पॉइंट लिखेंगे द सडन चेंजेस, the sudden changes from larva to adult, from larva to adult, that is called metamorphosis. That is the sixth point regarding the frog, जो आपके exams, competitive exams, किसी भी exams के लिए आपके लिए important है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये था आपका short पॉइंट्स, ओके। देखा लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को हम लोग ने देखा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जो बच्चों का डिमांड था कि सर इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करें, एक्सप्लेन कैसे करें, तो लिखेंगे द फीमेल फ्रॉग रिलीज थाउजेंड ऑफ एग इनटू द वाटर एंड there is fusion between the male gamete of frog and egg, okay। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, that is called
दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा और टैडपोल. ओके, लार्वा और टैडपोल का फॉर्मेशन होता है. जितना कितना टाइम लगता है मैंने बताया था आपको, 3 to 4 weeks. मिस्टेक, 3 to 4 weeks. ठीक है, मतलब एग्स जो फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो लार्वा का जो फॉर्मेशन हुआ उसके बीच में का जो अंतराल था, जो ड्यूरेशन था, 3 to 4 weeks का था. आफ्टर 3 to 4 weeks मीन्स आफ्टर द लार्वा. ओके, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट फ्रॉग आफ्टर 9 weeks. ओके, ये याद रखना है आपको कि कितने टाइम लगते हैं आफ्टर 9 वीक्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट फ्रॉग. ओके, आफ्टर 9 वीक्स. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, जिसको आप शॉर्ट में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फीमेल फ्रॉग रिलीज थाउजेंड ऑफ एग्स इन द वाटर एंड देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमेट ऑफ फ्रॉग एंड एग, इज दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा और टैडपोल, दैट ब्रैकेट में लिखा 3 to 4 weeks, मीन्स ड्यूरेशन है 3 to 4 weeks का होता है. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट फ्रॉम आफ्टर एडल्ट. ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट. ओके, फ्रॉम आफ्टर 9 वीक्स. ठीक है, मतलब लार्वा के बाद जो फॉर्मेशन हुआ एडल्ट का हुआ आफ्टर 9 वीक्स के बाद. ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये भी लिखेंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लंग्स एंड स्किन पोर्स. ओके, जो मेंढक होता है, जो फ्रॉग होता है, उसके स्किन पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है. डैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. ओके, रिस्पायरेशन में मदद करता है. ठीक है, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉग, डैट इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. इसको आप लिख सकते हैं आसानी से. अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुविधा हो, मतलब डिफ़िकल्टीज लगे कहीं समझने में, कोई सेंटेंस फॉर्मेशन, कोई भी एरर आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज करिए, और किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछिए. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस.